हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिड बायोगन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की समय में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि किसी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है कि नीट के बाद अगर MBBS की सीट नहीं मिली है तो हम BHMS लें या फिर नहीं लें। अगर लें तो BHMS में क्या क्या स्कोप है, हमें क्या पढ़ाई करनी होगी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दौर से हम भी गुजरे हैं। हम भी बहुत सारी वीडियोज़ देखते थे पर हमें बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ नहीं मिलती थी। आई होप आप लोगों को जो मैं जानकारी दूंगा उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप लोग अपना फ्यूचर प्लान करने में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल आराम से वीडियो को देखिए। और इसी के साथ कोई भी क्वेरी से कोई भी सवाल है तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दूंगा, आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर कभी भी मेरे बात करके इस बारे में बात कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे देखे कॉमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ के अपने जवाब ले सकते हैं। मैं इस वीडियो को पर्सनली वॉच करूंगा, जो भी कमेंट्स आएंगे मैं खुद उनका रिप्लाई करूंगा, तो आप लोग कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस समझिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही हम लोग आगे होम्योपैथी की वीडियोस लाते रहेंगे जो कि आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन दबाकर उस पर क्लिक कर लो ताकि आपको सारी वीडियो पहुँचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस समझिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि होम्योपैथी एक्वायर करना चाहते हैं, जिन लोगों को MBBS का सीट नहीं मिल पाया है। तो जो और हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर इस वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो भाई इस वीडियो को लेफ्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि हमारे वीडियोज़ को फोकसली देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, जो आयुष की काउंसलिंग आएगी, जैसे MBBS की एक अलग से काउंसलिंग निकलती है वैसे आयुष की एक काउंसलिंग आने वाली है थोड़े दिनों में, तो आप लोग आयुष की काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के 400-500 के अराउंड नंबर हैं तो आप लोग गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी सीट्स हैं। अगर मैं खासकर मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो अराउंड 55 सीट्स भोपाल के मेडिकल कॉलेज में हैं जो कि गवर्नमेंट सीट्स हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे होते हैं जिनकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती आयुष डिपार्टमेंट में, तो आप लोग वहाँ पर भी अप्लाई करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि क्या क्या स्कोप है, हमें क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो स्कोप से पहले हम बात करते हैं पढ़ाई के बारे में कि आप लोगों को होम्योपैथी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसी के साथ एक सब्जेक्ट आता है फार्मेसी, जो कि होम्योपैथिक फार्मेसी होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड ईयर की बात अगर हम करें, जो कि फ्रेंड्स जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ वो मैं अपने समय का पैटर्न बता रहा हूँ, पिछले साल से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर की हम बात करें तो सेकेंड ईयर में आता है पैथोलॉजी, इसी के साथ FMT मतलब कि फॉरेंसिक मेडिकल साइंस, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन मतलब कि जो कि होम्योपैथिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में बात की जाती है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। इसी के साथ चौथा सब्जेक्ट होता है मटेरिया मेडिका, जो कि है होम्योपैथी का फार्माकोलॉजी मतलब कि होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में इस सब्जेक्ट में आपको जानकारी दी जाती है। थर्ड ईयर में आप लोगों को ऑप्स मतलब कि ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनिक, सर्जरी, मटेरिया मेडिका, ऑर्गन रिपीट होते हैं दोनों सब्जेक्ट, यह सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं जो कि पूरा का पूरा मॉडर्न साइंस है। पूरा का पूरा जो मॉडर्न साइंस वाले मतलब कि MBBS वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं। फाइनल ईयर की बात हम करें तो वही PSM मतलब कि जो कम्युनिटी मेडिसिन होती हैं, इसी के साथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन होता है, रिपर्ट्री होती है, मटेरिया मेडिका होता है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड, जितने भी एलोपैथी के सब्जेक्ट होते हैं भाई सारे के सारे कवर्ड रहते हैं होम्योपैथी मतलब कि BHMS में। इसी के साथ आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि मटेरिया मेडिका, रिपर्ट्री, ऑर्गन एंड फार्मेसी होता है, जो कि होम्योपैथी के लिए बनाए गए सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों को नहीं भी पढ़ाए जाते हैं जो MBBS वालों को पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को जो फार्माकोलॉजी होती है एलोपैथिक मेडिसिन की, वो आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि हमें एलोपैथी नहीं करनी है, हम लोगों को होम्योपैथी करना है। अब बात करते हैं कि क्या क्या स्कोप है होम्योपैथी में। तो फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि आप लोग पहले होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते थे, पर जैसे जैसे सब लोग लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, तो सब लोगों को पता है कि एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं पर होम्योपैथी बहुत ज़्यादा सेफ होती है।
और बहुत सारे लोग अब उसको यूज करते हैं होम्योपैथी को, तो पता है कि जितनी भी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं सही नहीं हो सकती हैं, वो होम्योपैथी से ठीक हो सकती हैं। और होम्योपैथी की अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि होम्योपैथी की तरफ बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड हो रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा दूसरी मेडिसिन को छोड़ के, दूसरी पैथीज को छोड़ के होम्योपैथी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है और आने वाले सालों में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ने वाला है। जैसे जैसे लोग लिटरेट होंगे, जैसे जैसे लोग मेडिसिन को यूज़ करेंगे, जैसे जैसे और अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छा हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो होम्योपैथी और ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं कि हम कर क्या क्या सकते हैं होम्योपैथी BHMS करने के बाद। तो आप लोग चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, लाइक NHM, NRHM, CHO, इन सारी की सारी जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप लोग PSC फाइट कर सकते हैं, MPPSC, UPSC, जितनी भी स्टेट PSC होती है और UPSC होती है, आप लोग सारी की सारी PSC में मेडिकल ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग रिसर्च प्रोग्राम्स में आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग चाहें तो इसमें MD भी कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में MD होता है। तो आप लोग मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और इसी के साथ साथ आप लोगों को आगे का जॉब फ्यूचर भी सिक्योर होता है। अगली चीज़ आती है कि आप लोग अगर क्लिनिक खोलना चाहें, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहें, तो आप लोग बहुत अच्छे से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे अगली चीज़ आती है कि आप लोग इंश्योरेंस कंपनीज में या फिर किसी भी टाइप के जो हेल्थ की वर्किंग प्रोग्राम है उनमें जुड़ के सेवाएं दे सकते हैं, वहाँ से भी अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी जॉब्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर आप लोग एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्कोप की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर है और आप लोग इसमें आके बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, पर यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है होम्योपैथी में। तो फ्रेंड्स, यह तो थी स्कोप के बारे में बात, कि बहुत सारे स्कोप है होम्योपैथी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग होम्योपैथी को ऑप्ट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग आगे और भी वीडियोस लाने वाले हैं कि BAMS या फिर BHMS में क्या लेना चाहिए, और सारे के सारी कंपेयर करने वाले हैं कि फार्मेसी, नर्सिंग, इन सब चीज़ों को करना चाहिए फिर BHMS को करना चाहिए, कितनी इनकम कर सकते हैं, ऐसे हम एक एक करके बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वो सारी वीडियोस भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वह सारी वीडियोस ही पहुँचती रहें। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कुछ भी सवाल हैं, क्वेरीज हैं, तो नीचे देखकर कॉमेंट सेक्शन से पूछिए, हम आपको बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता।